नमस्ते, मेरे चैनल हेल्थ एंड टेस्टी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी खसखस की चटनी, इसे पोपोसीट पोस्तो भी बोला जाता है। इसकी चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे चावल के साथ सर्व करिए। तो ये बनाना शुरू करते हैं। खसखस की चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधे कप खसखस, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टेबलस्पून नमक। मैंने एक बड़े साइज के प्याज लिए, इसे रफली चॉप कर लिए, और एक हरी मिर्च लिए, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खसखस को हम गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे। खसखस को बॉईल करने के लिए मैंने एक कटोरी में पहले से ही पानी गर्म कर लिए। इसमें डालूंगी मैं खसखस। स्पून से ऐसे इस तरह से मिला देंगे और एक बॉयल आने देंगे। देखिए खसखस में बॉयल आ गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि खसखस थोड़ा फूल जाए और ये अच्छा से बारीक पिसा जाए। 10 मिनट हो गए, खसखस अच्छे से फूल गए। ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फूल गए। अब इसे हम बारीक पीस के तैयार करेंगे। पीस के लिए मैंने एक जार ले ली है। अब इसमें डालूंगी सारे खसखस। बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। खसखस को मैंने अच्छे से पीस के तैयार कर लिए। ये देखिए मैंने बहुत बारीक पीसे। हम गर्म पानी में इसलिए पहले बॉईल करते हैं ताकि खसखस अच्छे से पीस जाए, नहीं तो ऐसे पीसने सूखे पीसने से अच्छे से नहीं पिसाते। अब मैं लूंगी एक कटोरी, इसमें सारे पेस्ट को अच्छे से निकाल दूँगी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकालूंगी। हम जार में थोड़ी सी पानी डाल दिए और इसे भी मैं कटोरी में ऐड कर दूंगी। खसखस इसके तैयार है। अब चटनी बना के तैयार करेंगे। खसखस की चटनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई पहले से गर्म कर ली है। अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गई। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। और हरी मिर्च गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन प्याज को भून लेंगे। हम प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन भून लिए हैं। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें ऐड करूँगी जो मैंने खसखस का पेस्ट बना के रखी थी, वो ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी ऐड करूँगी पानी। ½ टेबल स्पून नमक लिए थे,
सारी चीजों को अच्छे से मिला दूंगी और 5 मिनट तक चलाते हुए भून लूंगी। तीन चार मिनट हो गई, देखिए हम चलाते हुए भून रहे हैं इसको, तब तक भूने जब तक इसका पानी सूख न जाए। देखिए अच्छे से भूज रही हूँ मैं, मैंने चलाते हुए पानी अच्छे से सुखा रही है। ये देखिए चटनी मेरा बन के तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी अच्छे से सूख गई, खसखस की चटनी बन के तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब चटनी को एक कटोरी में निकाल लूंगी, मैंने इस तरह का एक कटोरी लिए, इसमें सारे चटनी निकाल लूंगी। एक डो की तरह बन के तैयार हो गया। खसखस की चटनी बनके तैयार है। आप इसे चावल के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।